नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मैंने कभी नहीं कहा आरक्षण खत्म होना चाहिए, मोहन भागवत ने कहा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दबे कुचले वर्ग को लाभान्वित करने के लिए आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करने की मांग को दोहराते हुए हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की है। भागवत ने कहा कि मैंने कभी आरक्षण समाप्त करने की बात नहीं कही। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि समाज के वंचित रह गए तबकों को इसका लाभ मिलना चाहिए। महाराष्ट्र में फिर खुलेंगे डांस बार, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस कानून 2014 में किए गए संशोधन के कार्यान्वयन पर गुरुवार को रोक लगा दी। इस संशोधन के तहत बार और कुछ अन्य स्थलों पर डांस कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। न्यायालय के आदेश के बाद अब राज्य में डांस बार फिर से खुलने का रास्ता साफ हो गया। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत की पीठ ने कहा कि हालांकि हम शर्त भी लगा रहे हैं कि डांस प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह की अश्लीलता वाली भावभंगिमा नहीं होगी। लाइसेंसिंग प्राधिकारी ऐसे डांस प्रदर्शन को नियंत्रित कर सकते हैं ताकि इसका प्रदर्शन करने वाली महिला की गरिमा को किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचे। मोदी ने कहा दुनिया को साइबर सुरक्षा का समाधान दें भारतीय आईटी पेशेवर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर युवा वैज्ञानिकों का गुरुवार को आह्वान किया कि वे देश की विरासत एवं तकनीक के ज्ञान का उपयोग करके विश्व को नए तकनीकी समाधान उपलब्ध कराएं। मोदी ने यहां राजाजी मार्ग पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के मुख्यालय में डॉक्टर कलाम की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि आज भारत को लेकर विश्व की दृष्टि में बदलाव आया है। दुनिया अब उसे एक बाजार नहीं वरन सहयात्री के रूप में देखने लगी है। उन्होंने सुझाव दिया कि डॉक्टर कलाम की जयंती पर ऐसे सेमिनार आयोजित किए जाने चाहिए जिनमें 35 वर्ष से कम आयु के युवा वैज्ञानिकों को बुलाया जाए और उनके नवान्वेषण के कार्यों को देखा जाए। वे डॉक्टर कलाम से प्रेरणा लें और उनके इस प्रिय मार्ग पर चलकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दें। गीता का परिवार मिला, कराची से शीघ्र होगी वापसी। पाकिस्तान में बरसों से रह रही मूक बधिर भारतीय लड़की गीता के माता पिता की पहचान हो गई है और वह इसी माह भारत लौटेगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर बताया कि सरकार ने गीता के परिवार की पहचान कर ली है और वह जल्द ही भारत लौटेगी। उसे डीएनए टेस्ट के बाद ही उसके माता पिता को सौंपा जाएगा। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार गीता का परिवार बिहार से है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।